जी हाँ, सबसे पहला वैकेंसी है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT रायपुर में। यहाँ पदों की संख्या है 3, पद का नाम है विजिटिंग फैकल्टी। आवेदन की अंतिम तारीख है 16 अगस्त 2019। आवश्यक योग्यता, उम्मीदवार जिनके पास संबंधित विषय में PhD डिग्री के साथ टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्री में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो, वे आवेदन करने के योग्य हैं। आवेदक की आयु 35 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। मासिक आय 51,000 रुपए से 65,540 रुपए रहेगा। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.nitrr.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको यह नौकरी पसंद नहीं आई तो घबराने की कोई बात नहीं। आगे हमने आपके लिए एक और सरकारी नौकरी का इन्फॉर्मेशन लाया है, आप इसे ध्यान से देखिए और इस पर अमल कीजिए। यह वैकेंसी है एयरलाइन एलाइड सर्विसेज लिमिटेड में। यहाँ पदों की संख्या है 13, पद का नाम है सीनियर सुपरवाइजर। आवेदन की अंतिम तारीख है 20 अगस्त 2019। आवेदक की आयु 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता, उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट पास होना चाहिए। मासिक आय 60,000 प्लस अन्य भत्ते रहेंगे। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.airindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं है तो घबराइए मत, क्योंकि ओडिशा PSC ने भी वैकेंसी निकाली है। संस्थान का नाम ओडिशा PSC, पदों की संख्या है 25, पद का नाम है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। आवेदन की अंतिम तारीख है 31 जुलाई 2019। आवेदक की आयु 20 से 38 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता, उम्मीदवार को किसी भी विषय में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। मासिक आय 40,000 रुपए से 50,200 रुपए है। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.opsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगली वैकेंसी निकाली है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। यहाँ पदों की संख्या है 50, पद का नाम है JEE। आवेदन की अंतिम तारीख है 28 अगस्त 2019। आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता, उम्मीदवार इंजीनियरिंग पास होना चाहिए। पे स्केल है 40,650 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.npcilcareers.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगली वैकेंसी निकाली है भरत सिंह कॉलेज DU ने। जहां पदों की संख्या है 10, पद का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर। आवेदन की अंतिम तारीख है 28 जुलाई 2019। आवश्यक योग्यता है, उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से BEd होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पे स्केल है 56,100 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.sbsc.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप भगत सिंह कॉलेज ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी में आवेदन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या है 200, पद का नाम है MTS। आवेदन की अंतिम तारीख है 26 अगस्त 2019। आवश्यक योग्यता है, कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 35 होनी चाहिए। पे स्केल 17,500 रुपए है। योग्य उम्मीदवार पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.puchd.ac.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और आज की अगली बड़ी वैकेंसी निकाली है सशस्त्र सीमा बल ने। यहाँ पदों की संख्या है 300, पद का नाम है कांस्टेबल। आवेदन की अंतिम तारीख है 10 अगस्त 2019। आवश्यक योग्यता है, उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से 12वीं पास होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 30 होनी चाहिए। पे स्केल 30,000 रुपए से 32,000 रुपए रहेगा। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन वेबसाइट www.ssb.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पदों की संख्या है 264, पद का नाम है कंसल्टेंट इंजीनियर। आवेदन की अंतिम तारीख है 28 अगस्त 2019। आवश्यक योग्यता है, उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI पास होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पे स्केल 30,000 रुपए से 35,000 रुपए रहेगा। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.beciljobs.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमने आगे जो सरकारी नौकरी का इन्फॉर्मेशन लाया है वह ओरिएंटल बैंक ने निकाली है। संस्थान का नाम ओरिएंटल बैंक, पदों की संख्या है 80, पद का नाम है ऑफिस स्टाफ, आवेदन की तारीख है 14 अगस्त 2019, आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए, आवेदक की आयु 21 से 40 होनी चाहिए, पे स्केल 35,000 रुपए, योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन वेबसाइट www.obconline.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, और आज की आखिरी बड़ी वैकेंसी निकाली है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने। यहाँ पदों की संख्या है 554, पद का नाम है टीचर, आवेदन करने की अंतिम तारीख है 28 अगस्त 2019, आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए, आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए, पे स्केल 51,000 रुपए रहेगा। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.bseh.org.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, उपरोक्त सभी वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपके डॉक्यूमेंट में जो विवरण हो वही भरें, अन्यथा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये थी 10 अलग अलग विभागों के सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब को अभी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि नौकरी से संबंधित सभी खबरों से आप रह सकें अपडेट। We'll be right back.